कौन है माँ? कौन है माँ? बोलो आगे दिखाऊंगा आपको कौन है माँ। वो जो वो तो ऐसे ही मैंने प्रैंक किया आपके साथ। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ हेमा से मिलने, जो मैंने कॉल पे बात की थी। वैसे तो ये मेरे को हर बार एन लगाते हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद इस बार मुझे एन नहीं लग रहा है। क्या पता क्या बोले, भाभी जी बोल रहे हैं आप दुकान पे आओ, आपको मैं वहाँ मिलाती हूँ। मैंने उसको वहाँ बुलाया हुआ है, अब देखते हैं कि सच में बुलाया है या नहीं बुलाया है, क्या हो सकता है ऐसा, है ना भाई? तो गाइस, अगर आज आई होगी ना तो गर्लफ्रेंड तो बना के रहूँगा उसको, जो मर्जी हो जाए। प्यार मेरा सच्चा है, उसकी तरफ से भी सच्चा ही होगा कि इतना अच्छा लड़का हूँ मैं यार, मेरे को कौन ही मना कर सकता है। तो ठीक है गाइस, अभी हम आपको मिलते हैं आगे जाके उनकी दुकान पे और आपको मिलाते हैं आपकी भाभी से। पहले मैं तो मिल लूँ, पहले मैं देखता हूँ क्या सीन है, अगर मेरा सामान थी या नहीं, उसको मैं पसंद हूँ या नहीं, या मेरे को ही वो पसंद है। तो देखते हैं गाइस, आगे जाके करते हैं, चलो दुकान पे आके मिलते हैं। कॉल करके और हेमा को भी हमने बुला लिया है और मैं और ये बैठे हुए हैं, पर हम सोच रहे हैं कि थोड़ा उसको तड़पाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम ना उसको हमने जब बोला था कि हेमा से तुम्हें लगाओ, रुको ना बताती हूँ। जब हमने उसको लास्ट टाइम बोला था कि मतलब वो जो क्या नाम था, जिया, वो हमने मतलब ऐसे उसके साथ प्रैंक किया था, पर फिर हमें तरस भी आ गया था, बेचारे का दिल टूट गया था। इस बार मैंने सोचा चलो मिला ही देते हैं, तो रुको मैं आपको हेमा दिखाती हूँ। ये रही हेमा, बोलो हाय गाइस। तो आपको कैसा लग रहा है अनुज आपसे मिलने आ रहा है? गाइस, मैंने आपको बात नहीं बताई, जो ये हेमा है ये अनुज को लाइक भी करती है, पर ये अनुज को नहीं बताएगी कि ये अनुज को लाइक करती है, ठीक है? अनुज के सामने आपने पहले बिहेव करना है ऐसे कि दफा हो जाओ, ठीक है? मतलब गुस्से में थोड़ा ये काला सा, हाँ ठीक है, ऐसे ही बोलो। चीन में जा रही है, थोड़ा सा मैं जा रही हूँ, ठीक है? बाद में बता दे रहा उसको सब कुछ की मैं भी करती हूँ। अभी हम क्या करते हैं, इसको ना बोल देते हैं कि ऊपर बैठ जा, जैसे वो आगे जाता तो फिर वो नहीं देखेगा इसको, है ना? अब जाओ इसके साथ खेलो सब तक ऊपर। और अभी आज बड़ा प्यार शहर हो गया है, सेट ट्रेंड से कपड़े। पहले मुझे बताओ मेरे सात जन्मों का प्यार कहाँ है? कौन सा प्यार, कौन सा प्यार? मैं ये सुनने के लिए इतनी दूर से, ठीक है? तो फिर खाके हम घर से आई, गाड़ी लेके आए? हाँ गाड़ी दे नहीं रहे थे घर वाले, जबरदस्ती लेके आए, गाड़ी भी लेके आए मैं। इंजन जिंदगी भर तो गड्डी नहीं गले गड्डे भाई, गड्डी तो नहीं जब सिगरेट गड्डी में भी उसके बाद क्या लगे बड़ा तैयार शाम की बात है। डेट पे आऊंगा किसके डेट इतने के डेट है तक कपड़े कपड़े भेज दी भेज दे डेट है सिस्टम नहीं चल बाहर यार आप एन लगा रहे हो यार आपने कहा था हेमा है कौन हेमा वो तो ऐसे ही मैंने प्रैंक किया आपके साथ आप सच्ची में आगे तैयार हो गए मेरे को भी सिर दर्द हो रही है हेलो वो एक्सक्यूज मी सॉरी यू सॉरी सॉरी नहीं है इधर हेलो हेलो बताओ यार कहाँ है वो कौन है मेरे साथ जन्मों का प्यार कोई नहीं है यहाँ पे मुझे आंखें बंद करनी हेमा की कसम तूने अगर आंखें खोली मुझे आंखें बंद करनी हेमा नहीं ये आ जाओ भाई बोल रहा हूँ हमने कसम दी है भाई कब खोलोगे कसम गाइस को सरप्राइज दूंगा जल्दी भाई कहाँ है हेलो भाई खोलू अभी नहीं भाई खोलू चल खोल दे खोलो हेमा देखो ये था वो उधर देख पीछे पीछे ये वो कालू सा इसको मार ले जो आंखें बंद की थी अपने आप ही आंसू भी आ गया मजाक कर रही है बोल दे यार मजाक कर रही है ये आपने दिल दिया ये मैंने बोला था यार कैसी लगी आपकी हाइट भी छोटी है ऐसे बात करूंगा कैसी तो
मैंने सुना पापी जी कह रहे थे यू लव मी। भाई तू तो कह रहा था। मैंने कब बोला? हमने कब बोला? तू भी पीछे पड़ा था। अरे किसी फ्रेंड से बोल दो, फ्रेंड से बोल दो, उसने कराई बात। अब वो कह रही है तो सबसे कर लेते हैं है ना। उसको मेरे बारे में सब पता ही है। ये बात किसी ने कह रहा और पहली बार मिली हूँ, मैं हैरान हुई हूँ कि मेरे को भी लड़की सच में मिल गई आई पार्ट 3 में। मैं तो पार्ट 4 भी बना लगा था अभी पार्ट 3 में। हां तो आप कह दो मेरे से मिलने के लिए। फिर मिल ही नहीं है वो आपसे। सुंदर तो आपको क्यूट भी है। सुनो सुनो लगता है ओके गाइस आप लोग करो बातें। मैं आया था भाई मुझे तो प्यार हो रहा है इतनी देख देख के। भाई तू नीचे भाई मेरे को पहले बता ये सच में फील लव्स मी और नॉट। आहिस्ता भाई आहिस्ता। आपको क्या बैलेंस हो गया भाई? रुक ना मैं सो कैसा लगा हमारा कालू? अनकॉन्फिडेंस हो गया हमारा कालू। कैसा लगा आपको? इतना बुरा नहीं है, दिल का अच्छा है यार। मेरा हाथ छोड़ भाई। मैं तो हाथ लव यू। मेरा हाथ छोड़ गाइस वी कंटिन्यू। अभी रिश्ता तो हो जाने दो। जोर जोर से बोलो, इसमें आवाज नहीं आ रही है। नजरें मिली हैं तो दिल भी मिल ही जाएंगे यार। बड़े प्यार में बड़े नहीं शक पहले ही करने लग गए हैं। वन राइम फॉर हेमा। हेमा ये मैं दिल की बात है आपको सच में बताता हूं। I love you, बात करता हूँ। जो सच्चा प्यार होता है ना उसके लिए लाइनें नहीं बनी जाती, उसके लिए दिल से। पर आपको एक चीज समझनी है, पहली जनक में कैसे प्यार हो गया? लव एट फर्स्ट साइट। डांस करो डांस। तेरा बन बैठा है मेरा जिया। पर उसकी एक शर्त है। क्या? आपको सारी लड़कियां अपनी फीमेल फ्रेंड्स बहन जो भी है सारों को ब्लॉक करना पड़ेगा। मतलब जो ऐसे बहन बनाई है। आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा? लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ। आओ मैं आपका सपना निकालती हूँ। उसको लग ही नहीं रही है, ये सपना ही है। फिर नहीं हुई असली है। मैं किसी टॉल को बिठा दिया मेरे सामने ना। फिर देख क्यूट भी है यार। इसको बोलो ना यार। क्या क्या बोलू? एक बात बताओ, ये भी आपके साथ सारा प्रैंक हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं है क्या? आपको लगता है आपको इतनी क्यूट लड़की मिलेगी? व्हाट मेरा तिगाना जो सेंस कर लेता है हर एक बात को। मुझे पता है तुम इसे प्यार करती हो। अभी आप चुप रहना, उसको शादी शुरू नहीं करना। यहाँ देखो पहली बार कुछ भी गलत हो सकता है, दूसरी बार कुछ भी। दूसरी बारी भी गलत हो गया। तीसरी बार कभी गलत नहीं होगा ठीक है। तीसरी बार तीसरी बार तीसरी बार प्लीज प्लीज। बहन वाइफ भाई की वाइफ की पाँव नहीं छूते। यार देखा क्या मेरी भी गर्लफ्रेंड है?
सो गाइस फाइनली इनका रिश्ता हो गया, अब इनकी शादी भी हो जाएगी, पर हम इनकी शादी में नहीं जाएंगे गाइस। गाइस मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, बाद में बोलेंगे हमने तो प्रैंक कर दिया। इसकी कसम इनकी कसम सच्ची। आपको कैसे पता? तो मतलब ये मेरे को पहले से जानती है। मैं हम आपको क्यों बोल रहे थे कि आप चंडीगढ़ से वापस आओ, आपके लिए एक सरप्राइज है, ये सरप्राइज था। आप मेरे को पहले से करती हो और मैं आपको अभी से। हर एक ब्लॉग देखती हूं और इसको हर एक एक्सिस सब कुछ मैं सब पता है आपके लिए। और ये फिर भी होता है। गाइस मैं थोड़ा कोने में जाकर रोना चाहता हूं कि मेरे को इतनी सुंदर लड़की प्यार करती है। आई लव यू सो मच। गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मेरी भाभी और ये मेरी वाइफ, सॉरी मेरी लाइफ। पर गाइस जैसी ये है ना, ये मेरे से बहुत अच्छा लड़का डिजर्व करती है। बट मैं ठीक हूँ, तुम्हारे लिए मैं बदल जाऊंगा, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूंगा, तुम्हारे लिए मैं सुबह उठ के नहाऊंगा, ब्रश करूंगा, खाना खाऊंगा, सब कुछ करूंगा। खाना खाओ नहीं खाओ मुझे क्या? प्यार करती है गाइस, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ना चाहिए। और जो पहले वाली जो लड़कियां थी ना, उन्हें भी बताओ यार। सब था नहीं है नाउ आई रियली लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। यार कुछ तो बोले यार, ऐसा कह रहा कोई बाबी डॉल बना दी सामने छोटी सी शहरी शॉप पर। नहीं नहीं बेटा ये पार्किंग में कैसे होगी? इसी जल्दी थोड़ी अभी आप कुछ स्पेशल करो यार। तो मैं तेरा इतना कंफर्म है तो यार सुन रहा, मैंने मेरे जाने से पहले भी कुछ सुन लिया। अब आपको कहना होगा कल आए थोड़ी ना। हाँ मैं कल एक दिन दूंगा भाई। लोग मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब कुछ सब जानते थे, बस मैं ही कुछ नहीं जानता था यार। बस करो थोड़ा लंबा व्लॉग, ये यकीन नहीं हो रहा है मेरी गर्लफ्रेंड है। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मेरी भाभी ने इतना अच्छा काम किया है, मेरे साथ एक लड़की को मिलाया जो कि मेरे से बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। पर गाइस मेरे को तो अभी भी प्यार हुआ इसको तो बहुत पहले का, इसका मतलब शी लव मी मोर देन मी। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो अब हम इस यहाँ पे अपने ब्लॉग को एंड करते हैं और ऐसे ही किसी अच्छे ब्लॉग में आपको मिलते हैं। हेमा के साथ कहीं घूमने फिरने जाते हैं, हेमा के साथ कोई प्रैंक करते हैं, ऐसा तो हो गया अभी। तो कमेंट करके बताओ आपकी भाभी कैसी है, अगर आपकी भाभी अच्छी है तो भी बताओ, नहीं अच्छी है तो मत बताओ, मैं वो खो जाऊंगा। मेरी बेबी की तारीफ होनी चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं आपको ऐसे किसी अच्छे ब्लॉग में, तब तक के लिए जय जय भारत।